किसी लड़के को किस तरह की लड़की से शादी करना चाहिए, नौकरी वाली या बेरोजगार, उसका फायदा किस चीज में है। फायदों की अगर बात की जाए तो नौकरी वाली लड़की से शादी करने के अपने बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो उसके खर्चों की लंबी लिस्ट होती है, जो शुरू शुरू में एक हस्बैंड बड़े चाव से उठाता है, लेकिन आगे जाके जैसे ही रिश्ता पुराना होना शुरू होता है वो थकने लग जाता है कि यार तेरे खर्चे ही खत्म नहीं होते, कहीं तो रोक लगा। तो ये जो बर्डन होता है ना, फाइनेंशियल बर्डन जो उसके ऊपर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बेसिक चीजें भले ही वो अपने हस्बैंड से मांगे, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो उसके हस्बैंड को लगता है ये जरूरी नहीं है वो खुद भी बेयर कर सकती है। इनफैक्ट अपने पति देव को खुद भी सरप्राइज देके उसका दिन बना सकती है, और अपने परिवार वालों को अगर उसे कोई गिफ्ट देना है तो उसके लिए उसे अपने हस्बैंड के आगे हाथ भी फैलाने की जरूरत नहीं, मेरी मम्मी का बर्थडे है, मेरे पापा का बर्थडे है, मैं बुआ लगती हूँ, मुझे कुछ गिफ्ट देना है, तो ये सारी चीजों के लिए वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं है। और दूसरी चीज, जब दो लोग वर्किंग होते हैं तो बैंक भी लोन देने में ज्यादा किचकिच नहीं करता, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती, बहुत जल्दी लोन भी मिल जाता है और जो किश्त है उसका भी बर्डन नहीं आता, दोनों एक साथ मिल बांट के कर लेते हैं एडजस्ट। तो ही प्रोफेशनल लाइफ में अपने बिजी रहते हैं तो ये जो लड़ने और झगड़ने की जो समस्या है ये भी कम पैदा होती है, संभावना ही नहीं बनती है, अगर बनती भी होगी तो जल्दी निमट जाते हैं क्योंकि दोनों ही बिजी है ना। अगर लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आगे फिर कहानी कैसे चलेगी, घर तो लड़ने झगड़ने से नहीं चलना है ना, घर तो दो पैसे कमाने से ही चलना है। तो ये मसले जो होते हैं लड़ाई झगड़े के वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, लाइफ भी बेहतर होगी और एक्साइटमेंट बनी रहेगी क्योंकि अवेलेबिलिटी कम होगी ना, आप एक दूसरे को मिल कम पा रहे हो, एक गैप बना हुआ है तो एक्साइटमेंट बनी हुई है, जब भी मिलोगे और जब भी करोगे तो टूट के पड़ोगे और भूखों की तरह करोगे, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है कि पता है सामने ही है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। अब एक घरेलू लड़की से शादी करने के क्या फायदे हैं जो कि वर्किंग नहीं है, तो देखिए भले वो आपके ऊपर हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए डिपेंडेड है, लेकिन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है कि कब खाना है, क्या पीने का मन है, अच्छा लेने का मन है। नौकरी वाली लड़की के साथ अगर आप शादी करते हो तो आपको डिप्लोमेटिक तरीके से उसे हैंडल करना होगा, आप अपने वहां पे पैसों का, अपने रोब का दबदबा नहीं दिखा सकते। लेकिन वही जो एक हाउसवाइफ है वो जानती है कि यार करने वाला यही है, खर्चे उठाने वाला यही है, वहां पर अपनी मर्जी चला सकते हो, थोड़ा सा अपना रोब अपना दबदबा बना सकते हो। एक नौकरी वाली लड़की के साथ आपको खाने को लेकर भी कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी जब ऑफिस से आएगी तो थकी हारी होगी, हर बार खाना उतना स्वादिष्ट बने ऐसा कोई जरूरी नहीं, और ये भी हो सकता है कि खाने में अगर नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाए और आपके मुंह बने तो बोले उठकर खुद बना लो, और ये भी हो सकता है कि वो बनाए ही ना, आपको फोन लगा दे कि भाई अपने लिए लेते आना और मेरे लिए भी कुछ ले आना। वहीं आप किसी घरेलू लड़की से शादी करते हो तो उसकी सबसे पहली टेंशन तो यही रहेगी कि यार आज क्या बनाऊं जो उन्हें पसंद आए, आपसे फोन करके आपकी फरमाइशें पूछेगी क्या आज क्या खाओगे जी, क्या बनाऊं, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र उसकी जिंदगी का आप ही हो, आपके ऊपर ही फोकस है कि उन्हें क्या पसंद आएगा क्या नहीं। सुबह भी ऐसे ही चले गए थे बिना कुछ खाए तो ज्यादा चिंता तो इसी बात की है यार आज कुछ अच्छा बनाना है मुझे। अगर आप किसी घरेलू लड़की से शादी करते हो और उसका काम ही है घर को अच्छे से संभालना, देख रेख करना, अगर ये भी नहीं कर पाई तो क्या फायदा, तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बन जाती है कि हाँ बच्चों को अच्छे से वो ग्रो अप कर पा रही है, उसके ऊपर अच्छा ध्यान दे पा रही है, आपके पेरेंट्स की छोटी मोटी जो भी जरूरतें हैं वो अवेलेबल है एट ए टाइम, और आपके रिश्तेदारों को भी अच्छे से अटेंड कर पाती है। वही एक नौकरी पेशा अगर कोई लड़की होगी तो उसके पास टाइम की भी तो कमी होगी, वो हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकती, ना आपके पेरेंट्स के लिए ना अपने खुद के बच्चों के लिए, उसे कहीं ना कहीं एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होगा, पूरी तरह से आप उसके ऊपर हर चीज नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन आ ही जाती है। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि हर नौकरी पेशा जो लड़की है उसके पास टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो ऐसी होती है कि ध्यान नहीं देती चीजों पे, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, बहुत सी चीजें डिपेंड करती है कि वो लड़की आखिर नौकरी किस सेक्टर में कर रही है। कितनी ऐसी फीमेल है जो कि टीचिंग की जॉब करती है, 2 से 3 बजे तक वो फ्री हो जाती है, घर पे वापस आने के बाद उसे आधे घंटे का रेस्ट चाहिए होता है, बाद में वो पूरी अपनी जो जिम्मेदारी होती है शाम के पूरे खाने की, बच्चों को देखने की, ट्यूशन भेजने की और बाकी जो सारी चीजें वो अपना करती है बड़े आराम से, जो सुबह के काम पेंडिंग रह गए थे उनको भी देखने का टाइम मिल जाता है और अपनी सास ससुर को भी देख लेती है। वहीं अगर कोई लड़की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती है तो वहां का कल्चर कैसा होता है शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वहां पे छुट्टी अगर 6 बजे हो रही है शाम को तो आप खुद सोच सकते हो कि घर पे आने के बाद उसके पास कितना टाइम बचेगा जहां पर वो अपने बच्चों को भी देखे और बाकी सारे काम भी करे।
तो मिजाज जो है वो भी गड़बड़ा जाता है एक औरत का। नौकरी वाली लड़की से अगर आप शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीजों को समझती है, क्योंकि बाहर की दुनिया को वो अपनी नजर से भी देख रही है, तो शकबाजी थोड़ा कम ही करती है कि हाँ अगर कोई अपने कलीग के साथ है, लेट हो गया है या टाइम कहीं ज्यादा लग गया है, तो वो इतनी जल्दी हर छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं बैठती कि तुम इतनी देर कहाँ रह गए, ये रह गए, तो वो स्पेस देती है। एक जो घरेलू लड़की होती है वो दुनिया को उन चार महिलाओं की मंडली में बैठ के देख रही है, सुन रही है कि यार उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, वो उसके साथ पकड़ा गया, वो ये, तो उसका जो देखने का नजरिया वो थोड़ा सा सीमित, सोच का, वो बोल्डनेस का, वो ओपन माइंड, ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है एक घरेलू लड़की से शादी करने में और एक वर्किंग लेडी से शादी करने में। अब देखो जो मैंने फायदे नुकसान आपको बताए हैं, जो भी मैंने अभी तक आपको बातें बताई हैं, ये 100% लोगों पे अप्लाई नहीं होती। ये प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए मेजॉरिटी में जो चीजें होती है लोगों के साथ वो मैंने आपको बताई है, अदरवाइज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ जो घरेलू लड़की होगी वो सर्वगुण संपन्न होगी। कितनी ऐसी घरेलू लड़कियां भी होती है जो घर में होते हुए भी नहीं होती है, पता लग रहा घर में है लेकिन ना तो बच्चों पे ध्यान है और ना ही आपके पेरेंट्स को उस तरीके से हर चीज के लिए वो अवेलेबल है कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो दवाई का डब्बा भी अपना ढूंढते हुए फिरते हैं कि मैंने दवाई कहाँ रख दी अपनी, तो ऐसा भी होता है। और वही कोई वर्किंग फीमेल जो होती है वो बहुत अच्छे से अपने घर को भी मैनेज कर लेती है और अपना बाहर भी देख लेती है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल हैं इसी समाज में है कि वर्किंग लेडी भी बहुत ज्यादा अदब और कायदे से रहती है, सब चीजें मैनेज करती है, टाइम टू टाइम हर चीज को अंडरस्टैंड करती है कि कहां पर उसकी किस वक्त क्या जरूरत है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब काफी हद तक चीजें डिपेंड भी इस पर करती है कि यार एक लड़के की अपनी प्रायोरिटी क्या है, उसको किस चीज में फायदा नजर आ रहा है, उसको क्या चीज सूट कर रही है। कितने लड़के ऐसे होते हैं जो वेल सेटल्ड होते हैं, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं, उनको चाहिए एक हाउस वाइफ, वो देख ही ऐसी लड़की को रहे है कि यार अपना घर संभाल ले, मेरे पेरेंट्स को देख ले, मुझे काम वाम नहीं करवाना। इसी तरह से अगर किसी लड़के की चाहत है कि मुझे तो वर्किंग लेडी चाहिए, मैं अकेले घर का बोझ नहीं उठा सकता, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरे को कोई चाहिए जो मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चल सके, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, पैसे को लेकर किल्लत ना हो, मैं नहीं संभाल सकता हर तरह के खर्चे, तो चाहिए मुझे वर्किंग लेडी, तो उसकी अगर प्रायोरिटी है तो उसके लिए वही सूट करेगा। जाते जाते एक चीज और बोलना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं बोला तो ये वीडियो अधूरा है, कि अगर कोई पुरुष ये सोचकर किसी लड़की का चयन करता है कि यार नौकरी वाली से तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा क्योंकि इसकी तो अफेयर होने ही होने हैं, तो ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई वर्किंग लेडी होगी तो उसके अफेयर होंगे ही होंगे, क्योंकि इसकी गारंटी तो आपको किसी घरेलू लड़की से शादी करके भी नहीं मिलने वाली कि हाँ उसके अफेयर नहीं होंगे। अगर किसी लड़की को अपनी शादी के बाहर रिश्ता बनाना है तो घर में भी अवसर अवेलेबल होते हैं जी, उसके लिए उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो घर में ज्यादा और अच्छे से कर सकती है। और अगर किसी लड़की को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हाँ उसे कोई रिश्ते के बाहर रिश्ता बनाना है, तो वर्किंग लेडी के पास भले जितने मर्जी ऑप्शन आए, सामने आके खड़े हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है वो बाहर कमाने के लिए जा रही है, रिश्ते बनाने के लिए नहीं। तो ये जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है ना लड़की को जज करने का, कि नहीं मैं नौकरी वाली से शादी नहीं करूंगा, मैं तो घरेलू वाली लड़की से शादी करूंगा तो मैं ज्यादा सिक्योर रहूंगा, वो लॉयल रहेगी, तो ये बेकार है, इसके ऊपर डिसीजन मत लो। ये था मेरा आज का वीडियो, फायदे बता दिए नुकसान बता दिए, आगे आपका डिसीजन। चलिए टेक केयर, बाय बाय।